हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक म्यूज़िक लेबल के लिए सॉन्ग बनाने के लिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा कैमरा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा लेंस हमें यूज़ करना चाहिए, किस तरह की लोकेशन हमें देखनी चाहिए, और ये सारा कुछ हम कैसे एक बजट में कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो एक अच्छा म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट मतलब क्वालिटी होना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले आपका कैमरा, उसके बाद आपके लेंसेज, और तीसरा लाइटिंग। अगर नेचुरल आप यूज़ कर रहे हैं तो बचती है आपकी लोकेशन। अगर तो आपकी म्यूज़िक वीडियो का बजट 15,000 से 20,000 की रेंज में है, इससे कम में भी वैसे आप हो जाएगा, लेकिन ये एक प्रोफेशनल वीडियो के लिए आपको एटलीस्ट इतना बजट तो मिनिमम होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें कैमरास की, तो इस रेंज में आपको कैनन के 5D Mark IV मिल जाएगा। सोनी के अगर लेटेस्ट कैमरास यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है लोकल एरियाज में, जैसे पानीपत हो गया या फिर आप किसी और छोटे शहर में रहते हैं, वहाँ पे जो आजकल के लेटेस्ट मिररलेस कैमरास हैं वो रेंट पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 5D Mark IV 4 साल पुराना कैमरा है और उस टाइम का काफ़ी प्रोफेशनल लेवल कैमरा था। आज भी अच्छा है लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा पुराना है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी प्रोफेशनल लुकिंग क्वालिटी हमें उस पर मिल जाती है। अब जितना एरिया आप कवर कर रहे हैं उस शॉट के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा लेंस इस पर अच्छा लगेगा। अब ज़्यादातर क्या होता है, जिन लोगों को स्पेशली जो सिंगर्स वगैरह हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज तो होगी नहीं, लेकिन जिन लोगों को वो हायर करते हैं वीडियोज़ के लिए, ज़्यादातर उन लोगों को भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। उनके पास जो लेंसेज हैं बस उसी को फिट करके उन्हीं को बताते रहते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के लेंसेज हैं। अब वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे रिसेंटली मैं शूट कर रहा था जहाँ पे, वहाँ पे हमने दो लेंसेज यूज़ करे, 24 से 105 mm की फील्ड का, और दूसरा था हमारा 70 टू 200 mm। 24 105 जो लेंस है हमारा वो डे लाइट में वाइड एंगल शॉट्स के लिए बहुत शानदार है। वहीं पे अगर हम बात करें 70 टू 200 mm, ये प्रोफेशनल लेवल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का काफ़ी महंगा और काफ़ी अच्छा लेंस है। इस लेंस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शार्प आपको देखने को मिलती है। प्लस पॉइंट ये था हमारे पास कि हमारा जो बजट था उसमें हमें रेंट पे 70-200 लेटेस्ट मॉडल जो था वर्जन 2 वो हमें मिल गया था, तो वो बहुत अच्छी बात थी। कैनन 5D Mark IV के साथ 70-200 लेंस जब हमने लगाया तो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे चली गई, क्योंकि 2.8 अपर्चर पे हम नारा जब बैकग्राउंड ब्लर था, हमारी इमेज जब शार्प थी, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अब जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कौन सी फोकल लेंथ, कैसा बैकग्राउंड ब्लर, क्या चीज़, तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप चैनल पे वो जाके देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं शूट की लोकेशंस की। अब लोकेशंस की अगर हम बात करें तो एक अच्छी वीडियो चाहे आप फ़ोन से भी बना लो, चाहे आप छोटे से कैमरा से बना लो, 20-25 हज़ार के जो कैमराज आते हैं उनसे भी आप बना लो, अगर तो आपकी लाइटिंग नेचुरल है और अगर आप डिफरेंट लोकेशंस का यूज़ कर सकते हैं तो आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। अब वहीं पे हम बात करें लोकेशंस की, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 7 से 8 डिफरेंट लोकेशंस पे शूट करना चाहिए। अपने सॉन्ग के एक 2 या 3 मिनट के आसपास के सॉन्ग होते हैं, उसमें एटलीस्ट आपको 7 से 8 लोकेशंस दिखानी चाहिए। अब डिफरेंट लोकेशंस दिखाने से होगा क्या, बेसिकली जो ऑडियंस है उसके दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि जैसे अगर आप मेरा ये फ्रेम देख रहे हैं, मैं पूरी वीडियो सिर्फ इसी फ्रेम पे दिखाता रहूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोर हो जाएंगे। तो इसी को कवर करने के लिए हम डिफरेंट लोकेशंस दिखाते हैं ताकि ऑडियंस के दिमाग में चलता रहे कि कैसे कैसे एक स्टोरी चल रही है, कैसे कैसे अलग अलग सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जगह देखने को मिल रही है। अगर तो वीडियो थोड़ी कमज़ोर भी है तो डिफरेंट लोकेशंस के साथ हम उसको एडिट करके काफ़ी अच्छा कवर अप कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है बेसिकली एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए या फिर एक बजट में अच्छी प्रोफेशनल लेबल सॉन्ग बनाने के लिए। अब लिपसिंग जो है, लिपसिंग भी आपको 2 या 3 लोकेशंस की आपको उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही लोकेशन पे सिंगर अगर खड़े होकर गाता रहेगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो ये नहीं कि आपको अगर लिपसिंग आपने उठाई है तो आपको यूज़ ही करनी है। लिपसिंग्स बेसिकली आपके लिए एक फिलर शॉट्स है, एज ए बैकअप आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि लिपसिंग वगैरह कवर करने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास बहुत अच्छे शॉट्स ऑलरेडी हैं। एक अच्छी वीडियो बनाते हुए आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 3 मिनट का सॉन्ग है तो आपको उसे कवर करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम अपने दिमाग में आपको 5 मिनट की शूट तो करनी पड़ेगी। 5 मिनट से मेरा मतलब है कि 5 मिनट के सॉन्ग आपको लेके चलना पड़ेगा कि मुझे 5 मिनट की स्टोरी बनानी है जिसको मैं कवर कर सकूँ,
क्योंकि स्टोरी जितनी ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपके पास एडिटिंग में चॉइस होगा कि आप उसको श्रिंक करके अच्छे अच्छे शॉट्स आप पिक कर सकें। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप 15,000 से 20,000 की रेंज में शूट कर रहे हैं वीडियोस, तो आपके पास अगर गिम्बल नहीं है तो आप हैंड हेल्ड वीडियोस फिर भी मत शूट कीजिए। आप एटलीस्ट एक ट्राइपॉड लगा लीजिए या फिर कोई मोनोपोड आप ले लीजिए या फिर आप ज़मीन पर रखिए या फिर किसी भी तरीके से एक स्टैंड लेके वीडियोस बनाइए, क्योंकि जब आप उसको एडिटिंग में लेके जाएंगे जो वीडियो आपने हाथ से बना रखी है, आपको उस समय लग रहा होगा कि वो वीडियो स्टेबल है, अच्छी है, शेक नहीं है, लेकिन एडिटिंग में जाते हुए आपको वो शेक ज़रूर दिखाई देंगे और आप दोबारा से उसको फिर शूट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बोनस टिप है कि जब भी आप वीडियो शूट करें तो आप ट्राइपॉड पे शूट कीजिए, मोनोपॉड पे, या फिर अगर आपके पास गिम्बल है तो वो बहुत अच्छी बात है। हाथ से शूट करना इतने बड़े लेंसेज के साथ बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। जैसा आप इस क्लिप्स में देख सकते हैं, मैं हाथ से शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि शूट हमें जो लेना था वो गिम्बल से इतने नीचे हमारा इतने बड़े लेंस के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन जो मेरा पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है उसमें मुझे थोड़ा बहुत मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं हैंड हेल्ड शूट ले सकता हूँ। 4-5 सेकेंड्स के मुझे शॉट लेने थे तो वो मैंने ले लिए। तो जब भी आप अगली म्यूज़िक वीडियो अपनी बनाने जाएं तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला अपना एक कैमरा जो भी आप ले सके 15,000 से 20,000 की टोटल बजट में, उसमें आपकी शूटिंग, एडिटिंग और जितना भी आपका शूटिंग पे खर्चा होगा वो सारा मिला के अगर ये आपका बजट है तो आप इसमें 2,500 से 3,000 के आसपास की रेंज में आप इसमें अच्छा प्रोफेशनल कैमरा रेंट पर ले सकते हैं, जिसके साथ आपको लेंसेज मिल सकते हैं। वहीं पे इसके साथ ही आप एडिटिंग के लिए अलग से पैसे दे सकते हैं, 4-5 हज़ार जो भी आपका बजट हो उस अकॉर्डिंग आप एडिटर हायर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपके 4-5 हज़ार शूट पे भी लगते हैं तो टोटल 15,000 की रेंज में आपका ये जो बजट है इसमें काफ़ी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें ये 15,000 से 20,000 की रेंज के जो बजट वीडियोज़ होती हैं ये कौन से म्यूज़िक लेबल्स पे आएंगी, टी सीरीज जैसे बड़े ब्रांड्स पे आने का इनका कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वो रेड कैमरास वगैरह पे शूट करते हैं तो उनकी क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वहीं पे अगर हम बात करें इस तरीके की जो शूट्स वीडियोस हैं वो आपके लोकल एरिया के जो म्यूज़िक लेबल्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउस हैं, उनके थ्रू आपके छोटे लेवल्स पे लेकिन जो काफ़ी अच्छे लेवल पे होते हैं आपके एरियाज़ के रीजनल एरियाज़ में, उन पे काफ़ी अच्छे तरीके से ये वीडियोस आ सकती हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले कुछ वीडियोस बनाई थी कि टी सीरीज जैसे ब्रांड्स पे काम करने पे हमें कितना पैसा लगाना पड़ता है या फिर हमारा कॉन्टैक्ट कैसे हो किसी म्यूज़िक लेवल से, तो ये वीडियोज़ मैंने पहले बना रखी है, वो सारी देख सकते हैं और जानकारी के लिए। और उन्हीं वीडियोज़ पे मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि हमें कैसे प्रोड्यूसर मिल सकता है, हमें कैसे पैसा मिल सकता है अपनी वीडियोस बनाने के लिए। तो हर म्यूज़िक लेबल की अपनी अपनी एक अलग कंडीशन होती है, तो आप उस कंडीशन पे आप अपने अकॉर्डिंग बात कीजिए और आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे आपको या तो पैसे मिलेंगे या फिर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इसी से रिलेटेड अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस चैनल पर वीडियोज़ बनाता हूँ फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, फोटोग्राफी से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, कि कैसे आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं, अपने कैमरा स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनसे पैसे कमा सकते हैं और फिर आप मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि तो ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपके मन में, आप पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।